हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिस फंडा। मैं हूं सना। आज मैं आपके लिए लाई हूं तवा पुलाव। इसे हमने तवे पे नहीं, इसे हमने एक बड़े वेसल में बनाया है, क्योंकि मेरे पास में इतना बड़ा तवा नहीं था, तो मैंने इसके लिए एक बड़े वेसल में बनाया है इसे। आप भी चाहें तो आप इसे कोई भी कढ़ाई या बड़े पैन में या तवे पे किसी भी चीज़ में आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। ये हमारे पास में दो मीडियम साइज़ की प्याज है, दो मीडियम साइज़ टमेटो, दो ग्रीन चिल्ली हमने ली थी उसे हमने चॉप कर लिया, हाफ हमने थोड़ा सा कैप्सिकम लिया था उसे भी हमने थोड़ा चॉप कर लिया, हमारे पास में थोड़ा सा अदरक है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है, और ये हमारे पास में थोड़ा सा गाजर है इसे भी हमने चॉप कर लिया है। आप वेजेस अपनी मर्जी से जो भी आपको वेजेस में डालना है वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। चलिए अभी आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दो टेबलस्पून बटर डालना है, हमारा बटर जल नहीं जाए तो हमें इसमें ऑयल डालना है। ये हमने दो बड़े चम्मच ऑयल लिए हैं। बटर को इसमें अच्छे से मेल्ट होने दें। अब हमें इसमें हमारे जिंजर डालना है, हमारी ग्रीन चिली को भी ऐड कर दें। अदरक को मीठे डालने के बाद अब हमें इसमें अनियन डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हमें इसमें हमारी सारी वेजेस को ऐड करना है। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। हमें इसमें 1 teaspoon सॉल्ट ऐड करना है। इसे अच्छे से मिक्स करें। फिर से ध्यान रखें हमें इसे पूरा गलाना नहीं है, इसमें अगर थोड़ी सी बाइट्स होगी तो और भी अच्छा लगेगा, तो इसे हमें पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हमें थोड़ा इसे रखना है। आप देख सकते हैं हमारी वेजेस अच्छे से गल चुकी है। अब हमें इसमें टमेटो ऐड करना है। टमेटो डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि तवा पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट टमेटो है, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। टमेटो डालने के बाद अब हमें इसमें 1 tablespoon पाव भाजी मसाला ऐड करना है। पाव भाजी मसाला ऐड करने के बाद में हमें हमारी कोथमीर ऐड करनी है। ये हमारे पास में थोड़ी कसूरी मेथी है, हमें इसे भी ऐड करनी है। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये हमारे सारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। टमेटो को अच्छे से सॉफ्ट करना है। ये हमारा टमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें इसमें ये हमारे पास में बॉइल्ड पोटैटो है, ये हमने बॉइल्ड पोटैटो लिए थे, इसे हमें बॉइल करके इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। हमें इसे ऐड करना है, ये 2 medium size के बॉइल्ड पोटैटो हैं। आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। हमारा पोटैटो ऑलरेडी बॉइल्ड है तो कहीं ये टूट ना जाए, इसलिए इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है हमें। ये हमारे पास में 1 tablespoon रेड चिली है, 2 garlic और 4 red chili लेकर इसे हमने अच्छे से पीस लिया था, वो हमने ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप इसे डाल सकते हैं, वरना ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा टमेटो केचप भी डाल सकते हैं। हमें अपनी गैस को मीडियम पे रखना है। आप देख सकते हैं हमारी
सब्जी कितनी अच्छे से गल चुकी है। अब हमें इसे हल्का हल्का मैश कर लेना है। हमें इसे पूरा मैश नहीं करना है क्योंकि हमारी सब्जियां भी इसमें दिखनी चाहिए, तो इसलिए हमें पूरी तरह से मैश नहीं करना है। आप चाहें तो मैशर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे किसी चम्मच से हल्का हल्का सा मैश कर रही हूँ। ये देखिए मैश हो चुका है। हमें इसमें फ्लेवर के लिए और थोड़ा पाव भाजी मसाला ऐड करना है। ये हमने 1.5 टेबलस्पून किया है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर मैं यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मैंने ऑलरेडी इतना चिली यूज़ किया है। ये हम 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से फिर से चला लें। थोड़ा सा पानी ऐड करें। फ्रेंड्स ये मेरे पास में 2 कप राइस है ऑलरेडी, ये बना बनाया ऑलरेडी है मेरे पास में। लेफ्ट ओवर राइस मेरे पास में रखा हुआ था सो मैंने इसे ही ले लिया। आप चाहें तो आप नया राइस लेके भी बना सकते हैं, और चाहें तो अगर आपके पास में लेफ्ट ओवर राइस बचा है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपका काम और जल्दी कंप्लीट हो सकता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स करें। ये हमारा पुलाव बनके बिल्कुल रेडी है। हम इसमें और हरा धनिया गार्निश करेंगे। मेरे पास में फ्रोजन हरा धनिया है, आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। हमारे चावल ऑलरेडी बने हुए थे तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें और ज़्यादा बनाना नहीं पड़ा, पकाना नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं ये बन के बिल्कुल रेडी है। और हो सके तो अगर आप चावल यूज़ करें तो बासमती या फिर कोई लंबे चावल लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा तवा पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही यम्मी बनता है। इसे बनाने के लिए हमें तवे की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कोई भी चीज़ में बना सकते हैं। सो इसे बनाएं, खाएं और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।